हम देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर। यंग बाइट्स ग्रीवेंस में आज मैं आपको रघुनाथ बाजार लेकर आई हूँ, जहाँ पर स्मार्ट सिटी के तहत कार्य जो है वो चल रहा है, प्रगति कार्य जो है यहाँ पर चल रहा है। लेकिन ऐसे में आपको बता दें कि यहाँ के मार्केट एसोसिएशन के जो मेंबर्स हैं उनका कुछ ग्रीवेंस है। क्या कुछ ये ग्रीवेंस है? और फिलहाल आपको विजुअल्स यहाँ पर मैं दिखा दूँ कि यहाँ पर कार्य जो है वो चल रहा है, और ऐसे में जो मार्केट एसोसिएशन के मेंबर्स हैं उनका क्या कुछ कहना है इसको लेकर, स्पीड अप काम हो ऐसा उनका कहना है, उसके अलावा क्या कुछ परेशानियाँ उनको आ रही है ये भी उनसे जानते हैं। रघुनाथ बाजार बिजनेसमैन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हमारे साथ जुड़े हैं। गुप्ता जी, सर क्या कहना चाहोगे, जिस तरह से गवर्नमेंट द्वारा काम जो है वो करवाया जा रहा है, लेकिन क्या कुछ आपकी ग्रीवेंस इसके बीच में है? देखिए, आप सबको मालूम ही है कि स्मार्ट सिटी के तहत एक हेरिटेज ट्रेल बनने जा रहा है, मुबारक मंडी से लेकर के और श्री रघुनाथ जी चौक तक जी। तो जैसे मुबारक मंडी से भी काम शुरू हो चुका है, वहाँ पर कोबल स्टोन लगा है कुछ जगह पर, तो कुछ अभी ब्लैक टॉपिंग हो रही है। तो एज़ फार एज़ रघुनाथ बाजार इज़ कंसर्न, यहाँ पे भी पिछले कोई 4 महीने से ये काम चल रहा है, ड्रेन्स का काम तो पूरा हो गया, और उसके ऊपर रेडस्टोन, जो कि रेडस्टोन का काम भी लगभग पूरा हो गया, और फुटपाथ के ऊपर इन्होंने प्लान करा है इलेक्ट्रिक लाइट्स लगाने का, तो वो भी एक साइड से तो कंप्लीशन पे है, दूसरी साइड से चल रहा है। बाकी 20 तारीख की रात को इन्होंने, स्मार्ट सिटी वालों ने ये बाज़ार जो रोड है उस पे काम शुरू करवाया था रात को, तो अभी चल रहा है काम। देखो, कुछ भी कंस्ट्रक्शन का वर्क होता है तो कुछ ना कुछ दिक्कतें ज़रूर आती हैं। आप घर में भी करा लें, आप दुकानों में भी अपना काम करवा लें, लेकिन कुछ ना कुछ दिक्कतें आएंगी। और हम भी स्मार्ट सिटी वालों से और JMC को बार बार उनको अप्रोच भी किया है कि इस काम में तेज़ी लाई जाए, तो उन्होंने भी हमें अश्योर किया है कि इस जो भी ये रोड का काम है जल्दी से जल्दी ये ख़त्म कर लिया जाएगा, तो हमें पूरी आशा है। कब तक हो जाएगा? देखो, उन्होंने अश्योरेंस दी है कि जल्दी से जल्दी उनका है कि होना चाहिए, अनलेस अनटिल कोई बाधा ना आए बीच में। जैसे रोड के अंदर PHC की पाइप्स भी हैं, उनको भी जैसे रात को खोदा गया तो PHC की पाइप्स भी निकली है, तो उनको रीलोकेट करना ही है। रीलोकेट क्यों करना है? क्योंकि वहाँ पे डक्ट बनानी है ऑन ईदर साइड ऑफ द फ्लैट फुटपाथ, जिसमें कि जो हमारी कम्युनिकेशन केबल्स हैं, जियो फाइबर, एयरटेल फाइबर या BSNL फाइबर, उनको लेआउट करना है। तो ये थोड़ा टीडियस जॉब है, लेकिन आज PHC डिपार्टमेंट भी आया था, तो वो उनको भी JMC वालों ने अप्रोच करा, तो होप कि कल से ये कार्य शुरू हो जाएगा कि रीलोकेशन ऑफ PHE पाइप्स। तो मार्केट के जो मेंबर्स हैं उनका ये कहना है कि कार्य जो है चल रहा है, एक अच्छी बात है, हमें सुविधा जो है वो दी जा रही है, लेकिन ऐसे में जो लोग यहाँ पे स्मूथली चलते हैं वो चल नहीं पा रहे हैं। उनका कहना है कि स्पीडअप जो है वो इस काम में जो है होना चाहिए। बाकी अन्य मेंबर्स का क्या कुछ कहना है ये भी जानते हैं। बिजनेसमैन एसोसिएशन के हमारे साथ मेंबर्स भी जुड़े हुए, जनरल सेक्रेटरी हैं। सर क्या कहना चाहोगे, क्या कुछ अपील आपकी तरफ से रहेगी, क्या ग्रीवेंस आपको फेस करनी पड़ रही है? देखिए, काम चल रहा है यहाँ पे स्मार्ट सिटी का, ये आपने भी देखा है खुद ही। हमारी यही अपील है और यही कहना है, और ये हमारा नहीं, हमारे सभी मेम्बरान का यही कहना है कि जो भी काम हो रहा है वार फुटिंग पे काम हो, विदाउट एनी डिले, इसको डे नाइट काम हो, ताकि जल्दी से जल्दी ये ख़त्म हो जी। उसके कारण ये कि देखें, जब भी कहीं भी काम लगता है ना, चाहे आप अपने घर पर काम करवाएँ या आपकी मार्केट में हो, बाहर हो, डिस्टर्बेंस तो सभी को झेलनी पड़ती है। बाकी ये जितना जल्दी काम होगा उतनी डिस्टर्बेंस कम रहेगी, उतने बिजनेस कम अफेक्ट होंगे। कितने समय से ही काम चल रहा है? देखिए, काम अभी हमारे फुटपाथ जैसे थे, फुटपाथ का काम हमारा ये अक्टूबर में शुरू हुआ था, तो ये अभी फुटपाथ का काम नियर कम्प्लीशन है इनका, तो वो भी थोड़ा सा कुछ टाइम लाइन जिसमें जंप हुई हैं उसमें, तो हम ये नहीं चाहते कि जो भी रोड का काम है, रोड जो बंद हुई है, उसमें कोई टाइम लाइन जंप नहीं होनी चाहिए उसमें। जैसे भी है उनको, मतलब कि जो टेक्निकल लोग हैं उनको सभी कुछ पता है किस तरह से काम हमने स्पीड अप करना है, किस तरह से तेज़ करना है। हम उनको इवन स्टार्ट होने से पहले भी हमने यही बोला था कि आप इसको काम को शुरू तो करवा रहे हैं, लेकिन उसको एक टाइम बाउंड मैनर में करवाइए, राइट। उसमें क्या रहता है कि अगर आप अभी देखें कि यहाँ से सभी गाड़ियाँ बंद हैं, गाड़ियाँ बंद होने से अगर आप एक बार कैमरा घुमा के दिखाएंगे तो सभी बाज़ार ऐसे लग रहा है कि जैसे बहुत डेजर्ट सी लुक आ रही है इसमें, राइट। तो वो यही इसी कारण कि जहाँ पे भी गाड़ियों का आना जाना बंद रहेगा, वो किसी भी मार्केट में ऐसा सुनसान सा माहौल रहेगा। तो बाकी इसमें ये एक प्रोसेस, ये तो हम अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से करेंगे कि जितना बार फुटिंग पे काम हो, बाकी आम जनता से भी हम ये एक उन तक भी एक मैसेज पहुँचाना चाहते हैं
यहाँ पे अगर काम हो रहा है सिर्फ रोड बंद है, फुटपाथ बिल्कुल क्लियर है, पैदल चलने के लिए बिल्कुल क्लियर जगह है, जहाँ पे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। गाड़ियों की पार्किंग के लिए नीचे हमारा बस स्टैंड में पार्किंग स्लॉट है, वहाँ पे ऊपर सुपर बाजार में पार्किंग स्लॉट्स है, और यहाँ पे हमारे यहाँ पे रेजिडेंसी रोड्स पे भी पार्किंग है, वहाँ पे गाड़ी लगा के आराम से अपने आ सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पे समझे कि मार्केट बंद ही हो गई है, मार्केट खुली है, वैसे ही काम कर रही है जैसे पहले काम कर रही थी। सिर्फ आपके माध्यम से यही आवाज़ हम पहुँचाना चाहते हैं कि इसको काम को वार फुटिंग पे होना चाहिए और जल्दी से जल्दी इसको खत्म करना चाहिए। जी, आपका नाम? नितिन गुप्ता। नितिन जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आपकी ग्रीवेंस है, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या प्रॉब्लम्स हैं? हम तो ये कहते हैं रुना बाजार एसोसिएशन में काफ़ी बड़ी एसोसिएशन है जो कि रजिस्टर्ड है और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंडर है और काफ़ी अच्छा काम चल रहा है, बाकी स्पीड में भी है। हम हमारी यही गुजारिश है कि स्मार्ट सिटी जो भी इनके रिलेटेड हैं कि स्पीड से काम हो और अच्छा काम हो, बाकी काम हो ही रहा है, अच्छा ही हो रहा है। और अभी लोगों को थोड़ी मुश्किलें आएगी, लेकिन बाद में बहुत अच्छा बनेगा। और मैं तो ये कहूँगा कि टूरिज़्म और बढ़ेगा इससे, जम्मू अच्छी स्पीड से अच्छा ग्रो कर रहा है। तेज़ी से काम हो जो भी हो। हाँ, तेज़ी से हो, हमारी यही गुजारिश है कि इतने दुकानदार जुड़े हैं आगे, उन्होंने इतना अपने स्टाफ रखा हुआ है, सबके खर्चे निकालने हैं, किराया निकालना है, तो हम तो ये चाहते हैं कि 2-3 महीने के अंदर अंदर हो जाए। तो रघुनाथ बाज़ार में आज हम आपको लेकर आए थे जहाँ पर स्मार्ट सिटी द्वारा जो है काम कराया जा रहा है और एक विकास कार्य जो है किया जा रहा है, लेकिन मार्केट एसोसिएशन के बिजनेसमैन एसोसिएशन के जो मेंबर्स थे उनका ये कहना था कि काम कराया जा रहा है हमें सहूलियत देने के लिए, लेकिन इस काम में थोड़ी सी तेज़ी जो है लाई जानी चाहिए ताकि लोगों को भी परेशानी ना हो और यहाँ से गाड़ी जो है सुचारू रूप से सीधा स्मूथली चल सके। अगले बड़े लेकर फिर मैं हाजिर हूँगी, तब तक के लिए आप देखते रहेंगे बाइट्स। जर्नलिस्ट इंद्रजीत के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स।